एक टाइम होता था जब वैगनर ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई होती थी, यानी कि लोग बेस मॉडल लेते थे, उसमें एक म्यूज़िक सिस्टम लगा दिया, एक पावर विंडो लगा दी, एक रिमोट लगा दिया, एक सीट कवर लगा दिया। आज वैगनर शौक के हिसाब से मॉडिफाई होती है, क्योंकि हर वो इंसान जिसके पास एक 20 लाख की गाड़ी है उसने 8 लाख की वैगनर ली हुई है फॉर द सिटी यूज़, क्योंकि ये CNG है, सिटी में कन्वीनियंट है, मॉडिफाई होती है एंड मॉडिफाई शौक से होती है। क्योंकि VXI मॉडल ऑफ वैगनर आप लीजिए, उसमें 14 इंच के टायर आते हैं, LXI में 13 इंच के टायर आते हैं, हमने मॉडिफाई की है वैगनर 15 इंच के टायर के साथ, द मारुति जेन्यून एलॉय व्हील्स हैव बीन एडेड, दिस इज़ द मोस्ट हैवीली मॉडिफाइड जेड स्पोर्ट मॉडिफिकेशन। एक लुक ऑफ द कार मेरा पूरा चेंज हो जाता है, 15 इंच के जो अलॉय व्हील्स मारुति के जेन्यून डायमंड कट जो लुक दे रहे हैं मेरी गाड़ी को, एक अल्टीमेट लुक मिल रहा है आप लोगों के सामने है। VXI को ZXI में तो कन्वर्ट किया ही है, ZXI के अंदर भी ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी दोस्तों जो हमने इसके अंदर लगाई है, द अल्टीमेट इसको हम लोग बोलते हैं। तो हेडलाइट इसकी हमने रेडी की है इन द मॉन्स्टर डीमन लुक, आपकी ही हेडलाइट में DRL लगती है, प्रोजेक्टर लगता है, प्रोजेक्टर एक रिंग से सराउंड होता है, रिंग का कलर आप अपने मोबाइल से चेंज कर सकते हैं, रोड पे जो रोशनी हमको मिलती है, सी द फोकस ऑफ द लाइट ऑन द रोड, सी द विड्थ, सी द एरिया कवरेज, 10 सेकंड के बाद ये अपनी फुल पावर पे आती है, सी द लो बीम हाई बीम फोकस ऑफ द लाइट, द स्प्रेड ऑफ द लाइट एंड द थ्रो ऑफ द लाइट ऑन द रोड। ये प्रोजेक्टर वैगनर का कोई भी मॉडल आप ले लीजिए उसमें आपको नहीं लग के आता है, हमने इसके अंदर लगाया हुआ है। द फ्रंट ग्रिल इज़ अ वाइट कलर, वाइट एंड ब्लैक कलर का हमारा लुक है, आगे की ग्रिल वाइट है, आगे का बम्पर ब्लैक एंड सिल्वर कलर में है विथ 1, 2, 3 एंड 4 फिन्स, फॉग लाइट है जो मारुति की जेन्यून है, बट उसके जो बल्ब हैं उसमें वाइट लाइट भी है, ऑफ़ एंड ऑन करने पे ये पीली लाइट है जो फॉग में आपको इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जहाँ वाइट नहीं आपको काम में आएगी वहाँ येल्लो आपको हेल्प करेगी। ये वाइट कार को राइट लेफ्ट सेंटर कंप्लीट हमने डुअल टोन किया है, गरवारे का ब्लैक PPF आता है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, ये कोई विनाइल नहीं है, इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, ग्लॉस देख सकते हैं, सी द अल्टीमेट शाइन इन द कार, डुअल टोन हमने किया है, वाइट कार की रूफ ब्लैक कलर में है, स्पॉइलर लगाया है जो पीछे की तरफ ब्लैक कलर में है, रूफ रेल्स लगाई हैं द किया सेल्टोस डिज़ाइन जो पीछे ये कट्स के साथ आती है, एक जो पीछे का डिफ्यूज़र है आन बान और शान गाड़ी की पीछे से है, पीछे का डिफ्यूज़र, द रियर वाइपर हैज़ बीन इंटीग्रेटेड, ये VXI मॉडल है इसमें वाइपर नहीं लग के आता है, तो पीछे वाइपर भी हमने इंटीग्रेट किया है, बट जो धमाका है वो इंटीरियर में है, क्योंकि दिस इज़ द सुपर लग्जूरियस इंटीरियर, लग्जूरियस तो हर इन गाड़ी का इंटीरियर हम करते हैं, बट द सुपर लग्जूरियस इंटीरियर इज़ इन द बेज कलर, द इंटीरियर इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द मर्सिडीज C-क्लास, सी द लुक, ये एक इंटीरियर है वैगनर गाड़ी का दोस्तों, बेज कलर ऑफ वाइट कलर में पूरा इंटीरियर हमने किए हैं, टॉप गियर ब्रांड के सीट कवर्स हैं विथ 1, 2, 3, 4 एंड 5 कुशनिंग जोन्स, द इंटीरियर स्टाइलिंग किट इज़ इन द बेज कलर, वुडन हमने देखा, कार्बन फाइबर देखा, पियानो ब्लैक देखा, बट जो बेज कलर यानी कि द वैनिला कलर इंटीरियर स्टाइलिंग किट का लुक देख सकते हैं, द स्टेयरिंग, सी द फिनिशिंग, सी द लुक ऑफ माई स्टेयरिंग, एक स्पोर्ट्स स्टेयरिंग हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किया है, जिसका होल्डिंग पार्ट हाई ग्लॉस ब्लैक है, लोअर पार्ट हाई ग्लॉस ब्लैक है, कंट्रोल्स नहीं आते, कंट्रोल तो लगाए हैं बट ये चीज़ें टॉप मॉडल में भी आपको नहीं मिलेगी, ये स्टेयरिंग है जो आज इनोवा क्रिस्टा 30 लाख की गाड़ी में हमको मिलता है, ये हमने वैगनर में इंटीग्रेट किया है, द स्टाइलिंग किट इज ऑन द गियर कंसोल, द एम्बियंट लाइट विच इज़ गिविंग अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फियर, 4 डोर्स इल्यूमिनेटेड है, यहाँ से चालू हो रही है पीछे तक कनेक्ट हो रही है, सी द फिनिशिंग ऑफ द एम्बियंट लाइट, टॉप गियर ब्रांड की 7D मैट्स है, लेमिनेशन वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऊपर तक जाती है,
पाँव इसके ऊपर रखा, कचरा वगैरह जो भी जमा होता है, द अपर लेयर इज रिमूवेबल एंड डिटैचेबल। द अल्टीमेट म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर हमने लगाया हुआ है, जो टोटल साउंड सिस्टम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1 लाख रुपीज़ के करीब का म्यूज़िक सिस्टम ये गाड़ी के अंदर लगा है, जिसके अंदर जो प्लेयर है वो नेट प्ले ब्रांड का आता है, द जैपनीज इंटरफेस, जिसका मदरबोर्ड मेड इन जापान है, लैगिंग स्लो वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आता है, QLED डिस्प्ले, HD तो आज हर लोकल प्लेयर भी है, बट द QLED डिस्प्ले विथ 4K क्लैरिटी ये आपको ऑफर करता है, द 4GB रैम 64GB मेमोरी इसके अंदर हमने लगाया है, 52,000 इसकी MRP आती है, आफ्टर डिस्काउंट 30,000 रुपये के रेंज का प्लेयर है, 20,000 रुपये के आगे के स्पीकर हैं, ऑडिसन APK 165P जो एक वूफर है जो दरवाज़ों के अंदर लगता है, पावर्ड विद द डबल क्रॉस ओवर, पीछे के दरवाज़ों में को एक्शियल है, ऑडिसन के 8,000 के पड़ते हैं, चारों स्पीकर को एक एम्पलीफायर से हमने पावर किया हुआ है, सोनी का एक्सप्लोर सीरीज़ का 4 चैनल एम्पलीफायर है, 30,000 का प्लेयर, 20,000 के आगे के स्पीकर 50, 8,000 के पीछे के स्पीकर 58, 10,000 रुपये का एम्पलीफायर 68, 10,000 रुपये का डैम्पिंग का वर्क चारों दरवाज़ों में जो इसके अंदर हमने किया हुआ, डैम्पिंग ज़रूरी है जिससे साउंड प्रूफिंग होती है, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती है, एक 75,000 का बजट ऑडियो इसके अंदर हमने किया हुआ है, इसका जो आवाज़ है वो हम सुनेंगे, जो वूफर हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है, सर की रिक्वायरमेंट थी कि हैवी बेस भी गाड़ी में आना चाहिए, JBL का एनक्लोजर है जो 1200 वाट का आता है, डिक्की के अंदर हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, ये कंपनी का बॉक्स आता है, बाहर आप कितना भी पैसा देंगे ये बॉक्स बाहर नहीं बन सकता है, JBL 1200 वोल्ट्स का CS सीरीज़ का वूफर भी इसके इंटीग्रेट किया है। इसकी आवाज़ हम सुनेंगे, प्लेयर का जो एक रिस्पांस है वो आप लोगों को बताना था कि किस तरीके से सी द हाई ग्लॉस पियानो ब्लैक फ्रेम में ये आता है, सी द क्लैरिटी ऑफ द वीडियो जो मेरे को उसके अंदर मिलती है, 4K क्लैरिटी इसके अंदर हमको मिलती है, सी द क्लैरिटी ऑफ द प्लेयर दोस्तों जो मुझे उसके अंदर मिलती है, रिवर्स कैमरे की भी क्लैरिटी हम लोग ज़रूर इसके अंदर देखेंगे, 360 का भी आउटपुट आपको इसके अंदर दिया है, 4 कैमरे भी आप लगा सकते हैं, रिवर्स कैमरा भी आप लगा सकते हैं। वैगन आर पे इतना प्यार आप लोग ने दिया है, बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ये हम सोचते हैं कि 200 वीडियो हो गए अब क्या करें नया, बट फिर भी कोई ना कोई कस्टमर आता है, भरोसा देते हैं लोग कि सर आप कुछ करिए बढ़िया चीज़, पत्रे पे जो इंडिकेटर थे रिप्लेस होके साइड वेंट्स लगे हैं, मिरर जो लग के आते थे वो लॉक करने पे फोल्ड नहीं होते थे, टॉप मॉडल के मिरर हमने लगाए हैं, डोर वाइज़र है जो ब्लैक के ऊपर एक मिरर क्रोम इफेक्ट के साथ आते हैं, साइड डोर प्रोटेक्शन मोल्डिंग है, वैगन आर की गैस टैंक कवर है जो CNG का बाटला है वो दिखना नहीं चाहिए, ये क्वालिटी ऑफ स्पीकर कंपनी लगा के देती है, आप लोग देख सकते हैं। एक बार फिर से वैगन आर आप लोगों के सामने है और मेरा दिल से आप लोगों को शुक्रिया है कि इतना प्यार आप लोग ने दिया है, सर का भी इंटरव्यू हम लोग आप लोगों को बताएंगे, एंड द जेड स्पोर्ट इज़ द हैवीली मॉडिफाइड वैगन आर, DRL हमने हेडलाइट के अंदर इंटीग्रेट की है, फ्रंट ग्रिल लगाई है, लुक ऑफ द कार आप लोग देख सकते हैं कि जितना मैं बोलूँ उतना उसके अंदर कम है, डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ड्राइव सेफली, द बेस्ट मॉडिफाइड जेड स्पोर्ट वैगन आर, 200 वीडियो है मेरे वैगन आर के ऊपर, बट आज दिन तक का जो अल्टीमेट मॉडिफिकेशन है वो ये गाड़ी के ऊपर हमने किया है, युवराज जी हमारे साथ है, पूना से मेरे पास आए हैं, एक कस्टमर जब वीडियो देखता है तो एक इंक्वायरी करता है व्हाट्सएप पे कि सर हमने वीडियो देखा है हमको गाड़ी बनानी है, मेरा एक मैसेज आता है कि सर क्या कलर है, कौन सा मॉडल है और आपका बजट क्या है, तो बजट वाला जो कॉलम है सर ने लिखा कि सर आप जो बोलेंगे वो बजट है, मतलब इतना भरोसा जब इंसान दिखाता है, तो इन्होंने पूरा मेरे पे छोड़ दिया, मैं बोला सीट कवर, बोलते आप जो बोलो, मैं बोला स्पीकर, वो बोले आप जो बोलो, मैं बोला हेडलाइट, बोले आप जो बोलो, तो जब सब मेरे पे छोड़ देते हैं
तो फिर ये कस्टमर की नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी होती है, ये मेरी गाड़ी होती है और इसको मैंने अपनी गाड़ी समझ के बनाया है। आप लोग देख सकते हैं काम हर जगह पे होता है। आज सर सामने थे, 4-5 वैगनर दिन भर में आई, किसी का कुछ किया हुआ था, कोई कुछ करने आया था, बट जो आया वो एक बार नज़र मार के गया कि यार ये क्या चीज़ बन गई है। हम सर का वेलकम करते हैं एंड उनको थैंक यू करते हैं, इतना भरोसा उन्होंने हमारे पे दिखाया। कशी वाटली सर, कैसी गाड़ी अपनी थी, कैसी हो गई है? नाही खरंच मला असं वाटलं नव्हतं की माझी पण गाडी इथपर्यंत बनेल, पण माझा पूर्ण विश्वास रोहित सरांवरती होता। जशी काय मी इथं गाडी आली आणि माझ्यानंतरनं काही गाड्या येऊन गेल्यात, पण प्रत्येक गाडीवाला माझ्या गाडीकडे पाहत होता, एवढ्या आवडीने आणि प्रेमाने एवढी छानशी गाडी बनवली आहे की त्याला विचार म्हणजे तोडच नाही अजिबात, की माझा अपेक्षापेक्षा जास्त रोहित सरांनी त्यांच्या भावांनी आणि इतर कर्मचारी वर्गांनी एवढी छानशी गाडी बनवली आहे, तर खरंच दिल खुश झालं या गोष्टीची। मी खरंच धन्यवाद मानतो, पैसा खर्चा करके नाही नाही, मेरी तो इतनी ख्वाहिश आहे की मी और भी हमारे 2-3 गाडी आहे, मी मेरे साथ में अगले मंथ में लेने आने यहाँ पे आने वाला हूँ। बस मॅकविल 15 इंच कसे हो? 15 इंची मॅकविल जे बसवलं ते खरंच मला वाटलं पण नव्हतं की मला, ॲक्च्युली मला 14 इंचीचं मिळालं होतं, पण सरांनी रोहित सरांनी मला ते 15 इंचीचं करून माझ्या गाडीची हाईट आणि लुक जे काय दिसतंय ते अप्रतिम आहे। तर गाडी दिसेलच तुम्हाला, आणि जे साऊंड सिस्टीम खरंच जर म्हणायचं म्हणलं तर मला आता खरंच रात्री आता झोप येणार नाही या पद्धतीने गाडीमध्ये पूर्णपणे एकदा गाडीत बसलं ना की असं उत्कृष्ट वाटणार नाही, त्या पद्धतीची गाडी बनवून दिली मला। बरोबर आहे सर, एक नंबर आपल्याला द बेस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ वॅगनआर, क्योंकि 200 व्हिडिओ है, बट ये चीज़ आपको किसी में नहीं दिखने को मिलेगी, क्योंकि किसी में हेडलाइट थी तो मॅकविल नहीं थे, मॅकविल था तो ये स्टेरिंग नहीं था, स्टेरिंग था तो ये साउंड सिस्टम नहीं था, ये सब था तो ये बेज कलर का इंटीरियर नहीं था, ये बेज कलर आ गया तो उसके अंदर फिर जो व्हाइट एंड ब्लैक हमने किया है, क्या चीज़। मतलब ये हम भी सीखते हैं हर गाड़ी जो हम बनाते हैं, कुछ ना कुछ जो पिछले में किया था और अच्छा इसमें क्या कर रहा, अभी इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, ये लास्ट है, दिस इज़ द अल्टीमेट मॉडिफिकेशन ऑफ वैगन। वीडियो वगैरह जो बगता डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।